हाय गाइस, कैसे हैं आप। मैं हूं मोनिका और आप देख रहे हैं मेरा चैनल कुक विद मोनिका। तो आज हम बनाएंगे चिली चिकन ड्राई, जो कि बहुत ही जूसी और खाने में एकदम स्वाद सॉफ्ट एंड क्रिस्पी होगा। और आप कैसे मार्केट जैसा बना सकते हैं लेकिन इजी वे में, वो कैसे बनेगा, तो ज़्यादा देर नहीं करते, चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए दोस्तों चिकन ले लीजिए, चिकन के पीसेस जैसे आपको छोटे पीसेस चाहिए उस तरीके से आप बोनलेस चिकन लेकर उसे छोटे टुकड़ों में काट लीजिए। और अब मैं चिकन को मैरिनेट करने वाली हूँ। चिकन को मैरिनेट करने के लिए मैंने थोड़ा अदरक और लहसुन का पेस्ट लिया, ये है जिंजर गार्लिक पेस्ट 2 टीस्पून। साथ ही इसमें नमक मिलाएंगे और अच्छे से पहले चिकन में खूब अच्छे से हम ये दोनों चीज़ें मिक्स कर लेते हैं ताकि हर पीस पर अच्छे से ये फ्लेवर कोटिंग हो जाए। तो आप खूब अच्छे से इन्हें मिक्स कर लीजिए। और देखिए मैंने थोड़ी काली मिर्च भी ऐड कर दी है। अच्छे से मिक्सिंग करने के बाद दोस्तों मैं इसमें सोया सॉस लगा रही हूँ, थोड़ी सी सोया सॉस ऐड कर दीजिए, 1 से 2 टीस्पून ऐड कीजिए, ज़्यादा नहीं तो चिकन के पीसेस बहुत डार्क हो जाएंगे, तो 2 टीस्पून तक ऐड कीजिए। चिली चिकन में बहुत अच्छे से फ्लेवर्स आए, कलर अच्छा आए, तो मैं इसमें रेड चिली सॉस भी ऐड करूँगी। इसमें आप 2 टीस्पून के करीब रेड चिली सॉस को ऐड कर दीजिए। तो मैंने देखिए 2 टीस्पून ऐड कर दी और मैं इसे भी अब अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। हमारी मैरिनेशन हो रही है चिकन की। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद दोस्तों अब मैं इसमें एक एग मिक्स करूंगी। तो एक अंडा लीजिए, अंडा तोड़कर आप चिकन में ऐड कर दीजिए। एग ऐड करने से जो चिकन की बाहरी कोटिंग होती है वो थोड़ी फ्लफ़ी भी हो जाती है, मैदा कम खाने में फील होता है और क्यों है कि एक सॉफ्टनेस आ जाती है। अगर आपको वो सॉफ्टनेस नहीं पसंद तो आप अंडा स्किप कर सकते हैं। एग ऐड करने से जो है थोड़ा सा फ्लेवर भी अच्छा हो जाता है, तो आपको अगर एग नहीं ऐड करना तो आप एग स्किप भी कर सकते हैं, अगर ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है। अब मैं चिकन में मैदा और कॉर्नफ्लावर यानी कॉर्नस्टार्च ऐड करूंगी। तो दोनों दोस्तों दिखने में एक से हैं लेकिन एक कॉर्नफ्लावर है। कॉर्नफ्लावर लोग पूछते हैं अक्सर कैसा होता है, तो इस तरह से बॉक्स में मिलता है जो कि काफ़ी डिशेज़ में, मोस्टली चाइनीज़ डिशेज़ में भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। दोनों को ही बराबर मात्रा में ऐड करेंगे। देखिए मैंने 2 चम्मच मैदा डाला है यानी रिफाइंड फ्लावर ऐड किया, अब मैं 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर ऐड कर रही हूँ, तो लगभग इक्वल हैं दोनों। अब ये दोनों ड्राई जो हमारे फ्लावर्स हैं इन्हें मैं जो चिकन हमने मैरिनेट करके रखा है उसमें मिक्स कर लेती हूँ, उसमें अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। अब मैं इसमें एक आपको टिप बता रही हूँ, आप इस टाइम चिकन में अगर आप चाहते हैं चिकन के पीसेस क्रिस्पी बने तो आप इसमें ठंडा आइसी वाटर, देखिए मैंने फ्रीजर में ग्लास रखा हुआ था पानी का तो बहुत ठंडा हो गया, तो ये ठंडा पानी 2 से 3 चम्मच मैं ऐड करूँगी, ज़्यादा नहीं ऐड करूँगी। पानी ऐड करने से क्या होगा, कॉर्नफ्लावर एकदम से जम जाएगा, हम चिकन को फ्राई करेंगे तो चिकन बहुत अच्छे से क्रिस्पी फ्राई होगा। तो खूब अच्छे से मिक्स कीजिए और इसे अब हम मैरिनेट करके हम रखेंगे। आप इसे आधे घंटे तक रख दीजिए। आधे घंटे तक रखने से क्या होगा, चिकन जब हम फ्राई करेंगे तो बहुत अच्छी जल्दी गल जाएगा और जूसी रहेगा। आप हाथ के हाथ भी फ्राई कर सकते हैं लेकिन थोड़ा सा आप 15 मिनट तक मैरिनेट करके रखें तो अच्छा रहेगा। अब हम चिकन को फ्राई करेंगे। आप तेल को गर्म कर लीजिए और आँच को कम कर लीजिए। हमने बहुत ज़्यादा तेल गर्म नहीं करना है कि हमने चिकन डाला और एकदम ब्राउनिंग स्टार्ट हो गई। आप देख रहे हैं चिकन के पीसेस कितने अच्छे से मैरिनेटेड हैं और बहुत अच्छे से कोटिंग भी हो गई इन पर। ज़्यादा गाढ़ा मत गोल बनाइए, इसी तरह का गोल बनाइए। हम चिकन के एक साथ खूब सारे पीसेस फ्राई करेंगे और मैं चिकन को 2 बार फ्राई करूँगी। अगर आपको सुपर क्रंची बनाने हैं तो इन्हें आप 2 बार फ्राई कीजिए। आप क्या कीजिए, एक बार फ्राई कीजिए, हल्के हल्के पकने लग जाएँ, बस थोड़े से पकने शुरू हो जाएँ तो निकाल लीजिए। ड्राई चिली चिकन बनाने के लिए आप चिकन के पीसेस को 2 बार फ्राई कीजिए। देखिए अभी मैंने एक बार इन्हें तेल में डाला है और बाहर की कोटिंग जैसे मुझे लगा बननी शुरू हो गई है, पकनी शुरू हो गई है, तो मैं इन्हें निकाल लूँगी। देखिए अभी ये कच्चे ही हैं, बस हल्की सी पकने जैसे ही शुरू हुए मैंने इन्हें तेल से निकाल लिया। 10 मिनट का रेस्ट दूंगी, जब ये ठंडे हो जाएंगे तब मैं इन्हें दोबारा फ्राई करूँगी, जिससे क्या होगा ये पक भी जाएंगे और क्रिस्पी भी रहेंगे। देखिए चिकन के पीसेस मैंने एक बार निकाल के रख लिए थे, इन्हें ठंडा कर लिया, रूम टेम्परेचर पर आ गए। अब मैंने कढ़ाई में तेल को गर्म किया है, आंच को कम कर लिया है। अब क्या करें, काफ़ी सारे पीसेस आप एक साथ डालें तेल में और इसे क्रिस्पी कर दें, गोल्डन क्रिस्पी एकदम फ्राई करें और निकाल लें। देखिए मैं खूब सारे पीसेस डाल रही हूँ लेकिन आप आंच को कम रखिएगा, अगर आप बहुत तेज़ गर्म तेल में डालेंगे तो पीस जल भी जाएंगे। देखिए बहुत अच्छे से हमारे चिकन के पीसेस फ्राई हो रहे हैं, देखने में भी सुपर क्रिस्पी लग रहे हैं। और बस आप इन्हें अच्छे से ब्राउन कीजिए, गोल्डन ब्राउन, और निकाल लीजिए। चिली चिकन के लिए पीसेस हमारे बिल्कुल पक गए हैं, बन के रेडी हो गए हैं। पहले हमने 2 मिनट इन्हें तेल में तला था और अब अभी हमने 4 से 5 मिनट फ्राई किया है। इतनी देर में चिकन के पीसेस बिल्कुल रेडी हैं। आप कलर देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं, अभी अभी ये पक गए तो निकाल लेते हैं। आपको लग रहा है कि अभी कलर इनका गोल्डन ब्राउन है, निकाल लीजिए। चलिए अब चिली चिकन बनाते हैं इसका।
चाइनीज रेसिपीज में गार्लिक का बहुत अच्छा रोल रहता है, तो गार्लिक डालेंगे क्रश करके या बारीक काट कर, थोड़ा सा अदरक डालेंगे, जितना गार्लिक डालेंगे उसका आधा अदरक डालेंगे, और थोड़ी हरी मिर्चें, देखिए मैंने तिरछी काटी हुई है, आप हरी मिर्च की जगह सूखी लाल मिर्चें साबुत वाली भी ले सकते हैं। और सब्जियों में मैं शिमला मिर्च और प्याज ऐड कर रही हूँ। प्याज के इस तरह से चार टुकड़े कीजिए और उनको इस तरह से अलग कर लीजिए, ये देखिए। और शिमला मिर्च के भी मैंने बड़े बड़े चौकोर टुकड़े यानी स्क्वायर डाइसेस किए हुए हैं, और आप इस तरीके से इस प्याज को भी खोल लीजिए। चाइनीज़ खाना आप जब भी बनाएं, जैसे फ्राइड राइस बना रहे हैं, चिली चिकन या कोई भी डिश आप बना रहे हैं, तो आप कोशिश करें कि उसे लोहे की कढ़ाई यानी आयरन वॉक या आयरन कढ़ाई में बनाएं। ऐसा करने से फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आता है। तो जब भी आप बाज़ार में देखते हैं ना, तो चाइनीज़ खाना हमेशा लोहे की कढ़ाई में पकता है। देखिए मैंने इसमें तेल डाल दिया और चारों तरफ फैला रही हूँ। तेल देखिए अच्छे से गर्म हो गया है, आँच को थोड़ा सा मीडियम कर दीजिए। वैसे भी चाइनीज़ कुकिंग हाई फ्लेम पर होती है, लेकिन अगर आप गर्मा गर्म तेल में जैसे ही लहसुन डालेंगे जल जाएगा। तो मैंने 2 टीस्पून लहसुन यानी गार्लिक और 1 टीस्पून जिंजर और थोड़ी हरी मिर्च ऐड की है। लहसुन देखिए पक गया है, आँच मैंने मीडियम की हुई है। अब मैं इसमें जो मैंने कैप्सिकम काट कर रखी हुई है, देखिए इसे बड़े बड़े पीस रखे हुए हैं, और थोड़ा सा प्याज है वो ऐड कर रही हूँ। चाइनीज़ डिशेज़ में स्प्रिंग अनियन बहुत अच्छा लगता है, अगर आपके पास है तो आप स्प्रिंग अनियन का सफ़ेद वाला जो हिस्सा रहता है वो डाल सकते हैं। सब्जियों को तेज़ आंच पर सौते कीजिए, अगर आपको लग रहा है कढ़ाई बहुत तेज़ गर्म हो गई है तो आप बीच बीच में आंच को मीडियम भी कर सकते हैं। अब हमारी सब्जियां अच्छे से पकने लग जाएं तो मैं इसमें अभी से ही नमक डाल दूंगी, आप टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट डाल दीजिए। लेकिन ध्यान रखिए चाइनीज़ क्विजीन में खूब सारी चटनियाँ इस्तेमाल करते हैं सॉसेज, उनमें ऑलरेडी नमक रहता है, तो आप नमक हिसाब से पहले कम ही डालिए क्योंकि बाद में तो ऐड भी हो जाएगा। अब मैंने देखिए सब्जियों में ग्लॉजी शाइन आने लगी है, प्याज सॉफ्ट हो गए हैं, और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ लाल मिर्च का पाउडर, ये कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर है। अगर आपको कम तीखा चाहिए तो आप लाल मिर्च ना ऐड कीजिए, सिर्फ चिली सॉस से ही काम चलाइए। साथ ही इसमें सोया सॉस ऐड होगी 2 से 3 टीस्पून, जिससे कलर और स्वाद तो बढ़ेगा ही। आपके साथ सब्जियों को चलाते रहिए, देखिए चटनी ऐड करने से ही कलर इतना अच्छा आता है, सोया सॉस से ही सारे फ्लेवर्स और कलर्स आते हैं। अब मैं इसमें आधा टीस्पून के करीब काली मिर्च यानी ब्लैक पेपर ऐड कर रही हूँ, और इसमें 3 से 4 टीस्पून मैं ऐड करूँगी रेड चिली सॉस। रेड चिली सॉस देखिए मैंने 3 से 4 टीस्पून ऐड की, आपको बहुत तीखा अच्छा लगता है तो आप और ऐड कर सकते हैं। मैं इसमें थोड़ी मीडियम स्पाइसीनेस डाली है, ज़्यादा तीखा नहीं रहेगा ये, थोड़ा मीडियम रहेगा। और दोस्तों थोड़ी देर पहले मैंने कॉर्नफ्लावर पाउडर को थोड़ा सा ठंडे पानी में घोल लिया था, तो आप 2 टीस्पून के करीब कॉर्नफ्लावर पाउडर लीजिए, उसे ठंडे पानी से घोलिए, नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाला पानी या ठंडा पानी लें, गर्म पानी में मत घोलिए नहीं तो गाढ़ा लेप बन जाएगा। बस ठंडे पानी में घोल लीजिए, तरफ रख लीजिए। देखिए हमने सारी चटनियाँ मिक्स कर दी, इसमें रेड चिली सॉस भी मिक्स कर दी हमारी, ये जो रेडी है। अब मैं इसमें ये जो हमने घोल बना के रखा है कॉर्न स्टार्च का और पानी का, वो ऐड कर देती हूँ। इससे क्या होगा, एक थिकनेस आएगी, क्योंकि मैं ड्राई चिली चिकन बना रही हूँ तो मैंने पानी बहुत कम डाला है, आधा कप के करीब डाला है। ऐसा करने से हमारे चिली चिकन के जो पीसेज हैं सॉगी नहीं रहेंगे। तो इसे 2 मिनट पकाइए। ऐड कर रही हूँ विनेगर, वाइट विनेगर ऐड कर रहे हैं। विनेगर से एक टैंगीनेस, एक खट्टा सा स्वाद आता है जो कि बहुत अच्छा लगता है। तो 2 से 3 टीस्पून आप ऐड कीजिए, बाद में और भी ऐड कर सकते हैं। अब दोस्तों बहुत ही एक ज़रूरी इंग्रेडिएंट ऐड कर रही हूँ, क्योंकि हमने बहुत सारी इसमें खटाई ऐड की है, चटनी ऐड की है, तो सारे फ्लेवर्स को बैलेंस करने के लिए 1 टीस्पून चीनी, जी हाँ चीनी ज़रूर ऐड कीजिए। इससे क्या है, ग्लॉजी शाइन आएगी और जो खट्टापन होता है ना वो बैलेंस हो जाएगा, टेस्ट बिल्कुल के चिली चिकन जैसा हो जाएगा। अब काफ़ी देर से मैं सब्जियां भून रही हूँ, तो क्या पानी जो मैंने ऐड किया था कॉर्नस्टार्च में बिल्कुल ड्राई हो गया है, तो थोड़ा सा पानी ऐड करती हूँ ताकि कोटिंग अच्छे से हो जाए पीसीस पर। पानी ऐड करने से इसमें एक ग्रेवी सी बन गई है, जिसमें हमारा ड्राई चिली चिकन कोट हो जाएगा। अगर आप ग्रेवी वाला चिकन बनाना चाहते हैं तो आप पानी ज़्यादा डालिए, तो हम ड्राई बना रहे हैं तो मैंने बहुत कम पानी डाला है। अगर आप ज़्यादा पानी डाल देंगे ना तो चिकन के जो पीसीस हमने क्रिस्पी बनाए ना वो सॉगी हो जाएंगे। अब आप इसमें चिकन के पीसीस डालिए, अच्छे से मिक्स कीजिए, और ज़्यादा नहीं पकाना है, बस 2 मिनट तेज़ आंच पर स्टर कीजिए, बहुत अच्छे से मिक्स कीजिए, और देखते ही देखते देखिए चिकन पर बहुत अच्छे से कोटिंग जो हमारे मसाले की बनाई है हमने वो चढ़ने लग गई है। हमारे चिकन पर एक ग्लॉजी शाइन आ रही है, जैसे मार्केट से चिकन लेके आए। खूब अच्छे से 2 मिनट चलाइए, ज़्यादा नहीं पकाना नहीं तो ये सॉगी हो जाएगा। फिर से हम गर्मा गर्म कर देंगे सर्व। तो लीजिए गर्मा गर्म हमारा चिली चिकन बिल्कुल बन के रेडी हो गया है, चंद ही मिनटों में। कितनी आसान, बनाना बिल्कुल मुश्किल नहीं था, बस प्रिपरेशन में जो टाइम लगता है वही लगता है। देखिए फटाफट से इसे मैंने बना लिया और इसे गर्मा गर्म सर्व कर रही हूँ। लेकिन सर्व करने से पहले आप एक पीस टेस्ट करके देखिए, अगर आपको लगता है इसमें कुछ चिली कम है या इसमें विनेगर और होना चाहिए, आप अकॉर्डिंगली ऐड कीजिए। क्या होता है कि जब हम खाना सर्व कर देते हैं उसके बाद हमें लगता है यार इसमें थोड़ा मैं ये डाल देती वो डाल देती,
आपको और स्पाइसी चाहिए तो आप इसमें चिली सॉस ऐड कर सकते हैं और सर्व कर दीजिए। लीजिए दोस्तों, गर्मा गर्म चिली चिकन, ड्राई चिली चिकन, ड्राई एंड क्रिस्पी चिली चिकन बनकर रेडी हो गया है। और मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी और आप बनाने भी वाले हैं। तो देर ना कीजिए, जल्दी बनाइएगा ये आसान सी रेसिपी को। आपसे फिर मिलूंगी नई नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अच्छा खाइए, अच्छा खिलाइए। और जब टेस्टी चीज़ बनी हो सामने तो कंट्रोल नहीं होता ना, तो एक बाइट तो लेनी ही पड़ेगी। हाँ, बढ़िया बना, आप बनाएंगे तो पता चलेगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।